नमस्कार, मैं संजीव कुमार तनेजा, डीआरपी मैथ लुधियाना से आज सिलेंडर बनाने की विधि के ऊपर काम करने जा रहा हूँ। इसके लिए जो सामग्री हम यूज़ कर रहे हैं उसे कागज़ है सिंपल पेपर, टेप, कैंची, पेंसिल या पेन जो भी हो आपके पास प्रकार, और मार्कर। साथियों, जो हम सिलेंडर बनाने के लिए विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो मैंने एक पहले से पैटर्न बना रखा है उस पैटर्न की ही निशानदेही करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 11 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है जिस पे मैंने पहले से मार्क कर रखा है कि 3 सेंटीमीटर की ये एक टुकड़ा है और उसके बाद 5 का और 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का जहाँ पर हमने निशान लिया है वहाँ से हमने एक 90 डिग्री के कोण पे उसी बिंदु से 3 सेंटीमीटर ऊपर का लाइन लगाई है, नीचे भी 3 सेंटीमीटर जा रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे नीचे वाला जो टुकड़ा मैंने रखा है वो 4.7 सेंटीमीटर का है। इसी तरह 5 सेंटीमीटर से आगे हम एक दोबारा लाइन ले रहे हैं जो 90 डिग्री पे है उस लाइन से, वो भी 3 सेंटीमीटर पर है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर आगे फिर से जा रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर पर जा रहे हैं और अंत में हम 4.7 सेंटीमीटर पे जा रहे हैं। कुल मिला के लाइन की लंबाई जो है वो 10.7 सेंटीमीटर बनती है और आपके सामने ये पूरा एक पैटर्न तैयार हो जाता है। उस पैटर्न में ये बात ध्यान देने वाली बात है, इस बिंदु पर हमें कंपस रख के, जिसे हम प्रकार भी कहेंगे, एक चाप लगाएंगे या आर्क लगाएंगे जिससे हमारे पास ये आर्क बन के सामने आ जाती है जो कि एक सर्कुलर पार्ट बन जाता है, वृत्ताकार आकार ले लेता है। इसके बाद स्टेंसिल बनाने या पैटर्न बनाने के बाद हम जो ये पैटर्न आपके सामने बन गया है, पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसको कैंची के साथ सफाई के साथ काटेंगे। और ये जो हमने आर्क लगाई थी कंपास के साथ उसको भी इस तरह हमने काट लेना है। और हमारे पास इस तरह की आकृति तैयार हो जाती है। ये आपके सामने मैंने कुछ पहले से ही आकृतियां तैयार करके रखी हैं। इस तरह की हमें 8 पैटर्न तैयार करने हैं और 8 पैटर्न तैयार करने के बाद इनको हमने इस तरह की आकृति या आकार देंगे। इस तरह की आकृति बनाने के लिए हमें सेलो टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए देखिए हम किस तरह इसको इस आकृति में लेकर जाते हैं। पैटर्न जो है हमारे पास, ये जो हमने बनाए हैं या आकृति बनाई है, इसको जो लाइनें लगी हैं उसके हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास इसका फोल्ड होके इस तरह की आकृति बन जाएगी। अब इसको टेप लगाने के लिए हम सेलो टेप का इस्तेमाल करेंगे। कुछ टुकड़े सेलो टेप के इस ढंग से हम लगाएंगे। सेलो टेप लेते हुए हम इसकी जो ये लंबी वाली भुजा है या साइड है इसके साथ रख के आधी टेप बाहर की ओर रखते हुए चिपका देंगे इस तरह, और आखिर से इसको काट देंगे। इसी तरह सेलो टेप हम दूसरे सिरे पे भी लगाएंगे। हमने इस के दोनों तरफ टेप लगाई है। आधी टेप जो है इस कागज के पीले वाले हिस्से के ऊपर आ रही है और आधी टेप उसके बाहर रह रही है। और आखिर के सिरे इसके काट के इसको साफ कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जिस चीज़ का ध्यान रखेंगे वो ये है कि जहाँ पर हमारे फोल्ड आते हैं या मोड़ आता है वहाँ से
टेप के किनारे हम काट देंगे या उसको खोल लेंगे एक तरह से, इस ढंग से। और जो 4.7 सेंटीमीटर वाला जो हमारा हिस्सा है, जो लंबा वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है जिस पे मैं कैंची चला रहा हूं, उसके टेप के टुकड़ों को 2-3 जगह से हम काट देंगे। इसका कारण आपको अपने आप आगे समझ आएगा या मैं समझाऊंगा, वो देखते हैं किस तरह काट। ये काटने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते वक्त ध्यान देना है कि ये जो 3 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है इसको इस टुकड़े के साथ 90 डिग्री के कोण पे जोड़ के एक कुर्सी नुमा आकार दे देंगे, और इधर से भी इसको इसी तरह, दूसरी तरफ से भी इसी तरह का आकार दे दिया, तो ये एक हमारे पास शेप बन गई। टेप को इसके दूसरा जो हिस्सा फालतू हिस्सा था या जो बाहर हिस्सा रखा था उसको इसके साथ फोल्ड करके चिपका दिया, और ये हमारे पास इतनी स्थिति बन गई। उसके बाद ये जो 4.7 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा है इसको हम इस आर्क के साथ फोल्ड करेंगे, और जो टेप मैंने आपको बताई थी कि हम काटते वक्त थोड़े थोड़े टुकड़ों में जगह जगह से काट रहे हैं, इसीलिए किया था ताकि ये फोल्ड करते वक्त किसी तरह का बेंड या वट ना दें और आराम से ये जुड़ सके, चिपकाने में सफाई आएगी, इसीलिए हमने इसको अलग अलग जगह से काटा था। और इस तरफ भी इसी तरह हम टेप को इसके साथ जोड़ देंगे, ये हमारे पास इस तरह की आकृति तैयार होगी। आखिर में हम टेप के साथ इस सिरे को भी बंद करेंगे। इस तरह हमारे पास सिलेंडर जो बनाना है उसकी एक आकृति हमारे पास सामने तैयार होके आ गई है, और इस तरह के हमें 8 टुकड़े तैयार करने हैं। 2, 4, 6 और 2, 8, ये 8 आकृतियां हमारे पास तैयार हैं। और अगले स्टेप में हम 2-2 का जोड़ा बना के इकट्ठे इनको रखेंगे। पैटर्न बनाने के बाद या इस तरह की आकृतियां बनाने के बाद हम इस तरह के 8 आकृतियां को तैयार करके 2-2 का सेट इकट्ठा करके रख लेंगे, और इनको भी टेप लगाएंगे। टेप लगाते वक्त इस बात का ध्यान हमें रखना है कि इस आकृति के ऊपर वाले हिस्से पे सबसे पहले हम टेप लगाएंगे इकट्ठे जोड़ के, और इस तरह टेप लगा लेंगे। इसको घुमाते हुए इसके दूसरे तरफ से इसको पक्का कर लेंगे। टेप सिर्फ वहीं लगानी है जहां पर बाहर की तरफ से लगाई है, दूसरी तरफ नहीं लगानी। आपके सामने ये चीज नजर आ रही है, सिर्फ यही हिस्सा हमने टेप से जोड़ना है। तो एक हमारे पास जोड़ा तैयार हो गया। इसी तरह हम 4 जोड़े तैयार करेंगे, और 2-2 करके उनको इस ढंग से दोनों तरफ से टेप लगाएंगे। इसके दूसरी तरफ से भी उसी तरह टेप लगाएंगे। सो इस तरह हमारे पास ये 4 आकृतियां तैयार हो गई। अब इन आकृतियों को आपस में इकट्ठा रखेंगे इस तरह से, और इसको इस ढंग से लिटा देंगे। इसके बाद हम लोग ये जो हमने पैटर्न बनाए हैं 2-2 के जोड़े करके आपस में, ये बात ध्यान देने वाली है कि जिस तरफ से टेप लगाई है वो दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए, और हम उन्हें आपस में टेप के साथ जोड़ने वाले हैं।
इसको बंद करते हुए हम बाहर से भी जोड़ देंगे ताकि ये अच्छी पकड़ बना ले। एक हमारा ये समूह तैयार हो गया इसका। इसी तरह दूसरे सेट के लिए भी हम काम करेंगे। फिर ध्यान देने वाली बात है कि जुड़ा हुआ हिस्सा एक ही दिशा में होना चाहिए। तो ये हमारे पैटर्न्स तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों पैटर्न्स को हम इस ढंग से इकट्ठे आमने सामने जोड़ के रखेंगे और सिर्फ सिरों से सिर्फ आखिर वाले पैटर्न्स को टुकड़ों को टेप के साथ जोड़ेंगे इस ढंग से, कुछ इस ढंग से, सिर्फ आखिरी वाले, ध्यान रहे बाकी किसी को नहीं हमने जोड़ना, सिर्फ आखिर वाले। ये देखिए सिर्फ आखिर वाले हिस्से मैंने जोड़े हैं, सिर्फ। इसको बंद करके हम दूसरी तरफ से भी पक्का कर देंगे। तो साथियों ये हमारा सिलेंडर बनके तैयार हो चुका है और हम इस सिलेंडर के साथ आराम से खेल सकते हैं। इसको कोई भी आकृति किसी भी रूप में दे सकते हैं। तो इसमें देखो कितनी आसानी से हम इसके साथ खेल रहे हैं। बच्चों को इसमें हम सिलेंडर के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं कि सिलेंडर क्या चीज़ है, किस तरह ये लंबचक्री सिलेंडर हमारे पास है, और हम बच्चों को कहते हैं कि इसमें लंब है या परपेंडिकुलर है और रेडियस है। सिलेंडर ये हमारे पास जैसे बना है इसका हम क्रॉस सेक्शन निकाल के दिखा दें और टुकड़ा दिखाएं, तो इसमें बता सकते हैं कि ये इसका अर्धव्यास है और ये इसका परपेंडिकुलर है जिसे हाइट भी हम कह देते हैं, और ये लंब में है इसलिए ये लंबचक्री या राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर की टोटल हाइट अगर हमें बतानी हो तो हम इस तरह खोल के बता सकते हैं कि इस सिलेंडर की यह कुल हाइट या टोटल हाइट है और ये इसका अर्धव्यास है। और इस ढंग से हम बच्चे को इस सिलेंडर को खोल के पूरा दिखा सकते हैं और साथ साथ इस सिलेंडर के साथ हम खेल सकते हैं। और इसमें दो सिलेंडर बन रहे हैं, बच्चा इसको खुद बनाए और सीखे तो उसे खुद खुशी होती है और उससे वो इसको इंजॉय कर सकता है। धन्यवाद।